रामायण प्रतिष्ठान की ओर से एवं नागपुर महानगर पालिका एवं पश्चिम नागपुर नागरिक संघ के सहयोग से चतुर्थ ग्रामीण सेवा प्रदर्शनी का आयोजन 22 से 26 दिसंबर तक प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। ग्रामायण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष अनिल सामरे ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि रामनगर के मैदान में लगने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न स्टॉल, कार्यशाला, प्रतियोगिता, भोजन भोज होगा। एक मजबूत ग्राहक आधार और मजबूत बिक्री ग्रामीण सेवा एक्सपो की पहचान है। इस साल की प्रदर्शनी का केंद्रीय विषय पोषण, स्वास्थ्य और पर्यावरण है। इस बार पहली बार यह प्रदर्शनी पूरे 5 दिनों के लिए है। प्रदर्शनी के दौरान जुगाड़ू इंजीनियर्स प्रतियोगिता, सक्रिय महिला मंडल प्रतियोगिता, वरिष्ठ नागरिक समाज योद्धा प्रतियोगिता, मिलेट्स इन मेमोरी जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदर्शनी स्थल पर सभी प्रकार के कचरे का संग्रहण किया जाएगा। अनुमान है कि करीब 15,000 से 20,000 पुरुष और महिलाएं प्रदर्शनी देखने आएंगे। पोषण, आरोग्य आणि पर्यावरण या तीन विषयांवर 3 दिवस भरगच्च कार्यक्रम आहे। अनेक स्पर्धांचं आयोजन केलेलं आहे, त्यांचं पुरस्कार वितरण इथे होणार आहे। वेगवेगळे कार्यकर्त्यांचे म्हणजे पर्यावरण असेल, NGO असेल, अशी संमेलनं पण इथे होती। समाजकार्य महाविद्यालयांचे मुलांना आणि प्रत्यक्ष सेवाभावी संस्था यांची संगत घालून त्यांना जॉब कसा मिळेल किंवा काही लोक स्वतःचं काम कसं सुरू करतील असा पण प्रयत्न आपण करणार। ज्येष्ठांसाठी समाज योद्धा स्पर्धा, महिलांसाठी सक्रिय महिला मंडळ स्पर्धा, पोषण स्पर्धा, जुगाडू अभियंता स्पर्धा अशा सगळ्या स्पर्धा याच्यामध्ये आपण आयोजित करतो आहोत। आणि माझं आपल्या माध्यमातून सर्वांना आवाहन आहे की आपण मोठ्या प्रमाणात इथे यावं आणि ग्रामीण, पारंपरिक, पर्यावरण पूरक अशा वस्तूंची खरेदी करून त्यांचा उत्साह वाढवावा आणि आपण आरोग्य पण आपलं चांगलं ठेवावं। ग्रामीण उत्पादक महिलाएं, छोटे उद्यमी, कारीगर, पेशेवर, किसान, स्वसहायता समूह, स्टार्टअप, युवा, NGO में भाग लेने वाले संगठन, पश्चिम नागपुर नागरिक संघ, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पतंजलि योग समिति नागपुर और कई अन्य संगठन भाग लेंगे। इस आयोजन में विधायक, सांसद, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति, कलाकार, वैज्ञानिक, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपहार देने जा रहे हैं। वरिष्ठ कृषि उद्यमी बलवंत मोतीराम उर्फ ग्रामायण प्रदर्शनी परिसर बलू अन्ना उमालकर का नाम दिया जाएगा और प्रवेश का नाम विश्व प्रसिद्ध के महान कृषि शोधकर्ता के नाम पर रखा जाएगा। डॉक्टर पांडुरंग खान खोजी का नाम होगा। कार्यक्रम के मंच पर जैविक खेती के विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और प्रायोगिक किसानों ने भाग लिया। मनोहर राय परचूरे का नाम होगा। पत्रकार वार्ता में उपस्थित ग्रामायण प्रतिष्ठान के सचिव संजय सराफ ने मित्रों एवं परिवार के साथ पधारने की अपील की। वहीं रवि वाघमारे और राजीव कालेले नागरिक संघ के अध्यक्ष हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।